चलिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। 5070 5070 वेरिएंट 22 अक्टूबर नवंबर हेलो 2023। क्वेश्चन अस्सलाम नंबर वालेकुम। वन। वाले सलाम। क्वेश्चन नंबर वन। Choose from the list of the compound to answer these questions. Each compound may be used once, more than once, or not at all. Identify the compound that is a waste gas from digestion in animal. Digestion in animal. So ammonia is a gas. Ethanol is not gas. Glucose is not gas. Magnesium chloride is not gas. Methane is a gas, nitrogen dioxide is a gas, phosphorus, polyethylene, sodium bromide. बताइए कौन सी गैस है जो वेस्ट गैस है फ्रॉम डाइजेशन इन एनिमल। सर मीथेन। मीथेन। मीथेन इज अ वेस्ट गैस फ्रॉम डाइजेशन इन एनिमल। करेक्ट आंसर मीथेन। क्वेश्चन नंबर बी। विच टर्न्स ब्लू कोबाल्ट क्लोराइड पिंक। विच टर्न्स ब्लू कोबाल्ट क्लोराइड पिंक। बताइए इसमें से कौन सा लिक्विड है, कौन कलर का चेंज कर देता है कोबाल्ट क्लोराइड का। सर भाई फास्फोरस। कोबाल्ट नहीं, फास्फोरस कैसे सर करेगा, वाटर 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 करेगा, बिकॉज कोबाल्ट क्लोराइड वाटर में डिसॉल्व होके कलर शो करेगा। सी विच वन रिएक्ट विद इथीन अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू प्रोड्यूस इथेनॉल। अल्कीन, अल्कीन होता है। अल्कीन के साथ जब पानी डालते हैं, स्टीम डालते हैं, स्टीम, अब स्टीम है नहीं कहीं, तो आंसर इज वाटर। स्टीम तो कहीं नहीं है तो वाटर, स्टीम कहीं नहीं है तो वाटर। नेक्स्ट पार्ट। डैश इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ग्लूकोज। ग्लूकोज करेक्ट। ग्लूकोज इज द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। विच कंटेन्स एन एनायन with a charge of -2. Chloride is -1, oxide is -2. So magnesium oxide. Magnesium oxide. Because oxide is -2. Oxide is -2. Now next. This question is about metals. Chromium is a transition element. Sodium is an element in group 1 of the periodic table. State two physical properties of chromium that are different to those sodium. Basically ये पूछ रहा है कि sodium और chromium में क्या फर्क है। Definitely chromium transition metal है और sodium transition metal नहीं है, तो बताइए इन दोनों में से किसका weight ज्यादा होगा, किसकी density ज्यादा होगी। chromium। बिल्कुल सही कहा, transition metal ज्यादा भारी होते हैं। क्रोमियम इज हैवियर या क्रोमियम हैज हाई डेंसिटी देन सोडियम। बताइए किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्रोमियम।
क्रोमियम। ट्रांजिशन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, तो क्रोमियम हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट। देन सोडियम। नेक्स्ट, डिड्यूस द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द क्रोमियम। 24। ये 24 करेक्ट बोला आपने, प्रोटॉन 24। न्यूट्रॉन कैसे करेंगे? 29। शाबाश शाबाश शाबाश। 53 माइनस 24, ये न्यूक्लियॉन नंबर है, ये प्रोटॉन नंबर है। When you subtract proton number from nucleon number, you will get number of neutron. Next is chromium oxide reacts with carbon and chlorine to produce chromium 3 chloride and carbon monoxide. Construct symbol equation. देखें पहले कह रहा है क्रोमियम ऑक्साइड, सो Cr2O3 रिएक्ट विथ कार्बन एंड क्लोरीन। कार्बन मींस ग्रेफाइट एंड फॉर्म क्रोमियम क्लोराइड। कार्बन में C2 नहीं लगाएंगे आप? नहीं, कार्बन गैस थोड़ी है भाई, कार्बन गैस थोड़ी है, गैस होती तो C2 लगाते हैं ना। यस सर। बताइए बताइए इधर कितने क्रोमियम है, बोले इस साइड पे कितने क्रोमियम है, बोले कितने क्रोमियम है? दो सर। टू, तो भाई यहां लिखेंगे टू। बताइए क्लोरीन कितने हो गए? थ्री मॉलिक्यूल सर, सिक्स हो गए। टोटल क्लोरीन सिक्स। हाउ मेनी क्लोरीन एटम? सिक्स सर। सिक्स, तो इधर थ्री लगाएंगे, इधर थ्री लगा देंगे। बताइए हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड? थ्री सर। थ्री, तो इधर इधर थ्री लगा देंगे। नाउ हाउ मेनी कार्बन एटम ऑन राइट हैंड साइड? थ्री। थ्री, तो राइट हियर थ्री। नाउ क्रोमियम टू, क्रोमियम टू, ऑक्सीजन थ्री, ऑक्सीजन थ्री, कार्बन थ्री, कार्बन थ्री, क्लोरीन सिक्स, क्लोरीन सिक्स। इक्वेशन इज बैलेंस्ड। नाउ कंप्लीट द डायग्राम इन फिगर 2.1 टू शो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ सोडियम विद चार्ज। सो सोडियम इज 11, 281। लेकिन यहां तो दो शेल हैं, तो डेफिनेटली इसका इलेक्ट्रॉन चले गया है, तो प्लस वन, सो टू इलेक्ट्रॉन्स। देन एट इलेक्ट्रॉन्स। बोले यहां तक बात समझ आ गई है? यस सर। चूंकि इसने यहां लिखा है सोडियम आयन, तो लिहाजा दिस इज प्लस। दो नंबर का सवाल था ये। नाउ ई पार्ट, टेबल 2.1 शोज द ऑब्जर्वेशन मेड when four different metals are heated in oxygen, lanthanum, mercury, nickel, sodium. Observations are also given. Put the four metals in order of their reactivity. Put the least reactive metal first. Okay. Sir, so, bhai, haan, bole. Sir, can we use the
रिएक्टिविटी सीरीज वन पार्ट? नहीं, रिएक्टिविटी सीरीज नहीं करनी है, आपने ऊपर देखना ये लिखा है, अब मैं आपको बताऊंगा उससे लिखे, बताइए कौन सी ऐसी चीज है जो बहुत तेजी से रिएक्ट कर रही है, बर्न हो रही है, बताए कौन है जो सबसे ज्यादा तेजी के साथ बर्न हुआ है? सोडियम. सोडियम. तो सोडियम इज मोर रिएक्टिव. बताइए वो कौन सा मेटल है जो बर्न ही नहीं हुआ है, जो बर्न ही नहीं हुआ है, जिसने ऑक्साइड की लेयर बनाई नहीं है? सर मरकरी. मरकरी. भाई रिएक्टिव होता तो ऑक्साइड की लेयर बनाता ना, तो हियर यू हैव मरकरी. बताओ वो कौन सा है जिसने ऑक्साइड की लेयर तो बनाई लेकिन वो तो बर्न ही नहीं हो रहा. लैंथेनम. लैंथेनम. अच्छा अब मुझे बताएं लैंथेनम ज्यादा रिएक्टिव होगा या निकिल? सर निकल. निकिल स्लोली लेयर बना रहा है और लैंथेनम रेडी रेडीली बना रहा है. सर निकल. हाँ तो रिएक्टिव कौन हुआ ज्यादा? लैंथेनम. सर लैंथेनम. लैंथेनम. और डेफिनेटली ये निकल हो जाएगा. चले नेक्स्ट. एक्सप्लेन व्हाई एल्युमिनियम इज रेजिस्टेंट टू करूजन. 2 मार्क का सवाल है भाई, याद रखिएगा ब्रिलियम और एल्युमिनियम, ब्रिलियम एंड एल्युमिनियम आर टू मेटल्स विच आर रेजिस्टेंट टू करूजन बिकॉज दे फॉर्म ऑक्साइड लेयर. ब्रिलियम एंड एल्युमिनियम. बता सकते हैं कि बेटा बेटा ग्रुप 3 के चेक करें, ग्रुप 3 में ब्रिलियम है. सर वो तो ग्रुप चेक करें ब्रिलियम है ग्रुप 2 में, ग्रुप 3 में? नो सर, वो ग्रुप 2 में. ग्रुप 2 में. बस आप ये याद, ग्रुप 2 में. बस आप ये याद रखिएगा कि ब्रिलियम और एल्युमिनियम दे फॉर्म ऑक्साइड लेयर. जब ये ऑक्साइड लेयर बनाते हैं, दिस ऑक्साइड लेयर इज नॉन पोरस. नॉन पोरस तो ऑक्सीजन घुस नहीं पाती. आइए दिखाता हूं कैसे. दिस इज एल्युमिनियम. दिस इज एल्युमिनियम. दिस इज एल्युमिनियम. आप देख सकते हैं इट हैज नॉन पोरस ऑक्साइड लेयर. दिस इज नॉन पोरस ऑक्साइड लेयर. ऑक्साइड लेयर. तो बेटा ऑक्सीजन ये ऑक्साइड लेयर है एल्युमिनियम ऑक्साइड की. तो भाई इसके अंदर वाटर नहीं घुस सकेगा, इसके अंदर कोई एसिड नहीं घुस सकेगा. आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर. यस सर. इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं घुस सकेगी. यस सर. तो इसका आंसर 2 मार्क का है. लिखेंगे एल्युमिनियम फॉर्म नॉन पोरस प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर.
ऑक्साइड लेयर एल्यूमिनियम फॉर्म नॉन पोरस प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर. पॉइंट नंबर टू ऑक्सीजन एसिड एंड वॉटर कैन नॉट एंटर cannot break, cannot diffuse, this layer. ठीक है जी. अगला है स्टेट टू अदर रीजंस व्हाई एल्युमिनियम इज यूज्ड इन ओवरहेड इलेक्ट्रिक केबल्स. सर बिकॉज इट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दो रीजन हो सकते हैं. इट हैज अ लो डेंसिटी और इट इज लाइट लो डेंसिटी. अब देखो देखो जो तार लंबी देखो हमारे पास जो डली होती है छतों पे जो पोल्स पे लगी होती है वो हल्की होती है जब भी तो लगी होती है वरना तो गिर के नीचे सर पे गिरे. सो दे आर लाइटर दे आर लाइट लो डेंसिटी. पॉइंट नंबर टू एल्युमिनियम इज नेक्स्ट इज एल्युमिनियम इज गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर. कंडक्टर बोले बात समझ आ रही है. यस सर. यस सर. उसको भी पूरा लिख देते हैं. चलिए जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है थ्री. कंप्लीट द इक्वेशन. क्वेश्चन नंबर थ्री कंप्लीट द इक्वेशन. बताइए कार्बोनेट ऑल कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट ऑल कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल इन वॉटर. दे आर सॉलिड. यस सर. HCl is aqueous. Liquid. Liquid नहीं है aqueous है. पानी liquid होता है. HCl solid होता है पानी में डालते हैं aqueous होता है dissolve हो जाते हैं. अब आप देखें ये carbon dioxide gas बन रही है उसका जो volume है वो y axis पे है और time यहां पे लिया गया है. रेट का एक्सपेरिमेंट है. पूछा गया है कि रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आफ्टर 40 सेकंड. मेरी बात गौर से सुनिएगा. ये देखें आपने स्केल लेना है और 40 सेकंड पे एक लाइन खींच देनी है. सर 34 सेंटीमीटर क्यूब. अच्छा अभी देख लेते हैं. 31 34. तो भाई वॉल्यूम इज 34 सीएम क्यूब. नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रॉ अ लाइन ऑन द ग्रिड इन फिगर 3.1 टू शो हाउ द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड चेंजेस व्हेन स्मॉलर पीस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आर यूज्ड. आपको मेरी बात समझ आ गई. कैल्शियम कार्बोनेट की जगह इसने क्या कहा है द स्पिरिट यूजिंग द सेम मास ऑफ स्मॉलर पीस ऑफ
कैल्शियम कार्बोनेट सेम मास से स्मॉलर पीस है, तो बताइए सरफेस एरिया ज्यादा होगा कम होगा उसका? ज्यादा सर ज्यादा ज्यादा होगा जाएगा होगा। और वॉल्यूम कम हो ड्रॉ अ जाएगा, लाइन, हाँ तो ये क्या होगा, रेट बढ़ जाएगा कम होगा? बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा। रेट रेट इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अब हमें इस ग्राफ में बनाना है, तो ये यू बन जाएगा, बोले बात समझ आ रही है? यस सर। और फाइनली में आएगा वही, तो भाई क्या लिखेंगे? तो वॉल्यूम ऑफ कार्बन सर डाइऑक्साइड चेंजेस व्हेन स्मॉलर पीस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आर यूज्ड, तो ये स्मॉलर है स्मॉलर पीस, कैल्शियम कार्बोनेट क्वेश्चन सी पार्ट सी, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन यूजिंग कोलिजन थ्योरी हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन डिफर व्हेन अ टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज यूज्ड। सर हाँ बोले, रेट इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा ये बताएं? इंक्रीज सर इंक्रीज सर सर बोले टेम्परेचर ऐसा पहले पूछे क्या? कितना था सर, क्या बोले जी, बोले ना यार। जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसके जो वो मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स होंगे उनके वो कोलिजन्स करेंगे वो, यानी कि उसके कंटेनर की वॉल से, तो उसकी वजह से उसका जो रिएक्शन होगा वो फास्ट हो जाएगा। पहले कितने पे टेम्परेचर हो रहा था? 100 था, 25 था, तो सर फिर तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज जाएगा ना, डिक्रीज डिक्रीज होगा। होना चाहिए, तो रेट रिएक्शन डिक्रीज। बिकॉज पार्टिकल्स विल हैव लेस काइनेटिक एनर्जी। एग्जैक्टली, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस। रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस बिकॉज, 2 मार्क का सवाल है, बिकॉज एज टेम्परेचर डिक्रीजेस डिक्रीजेस फ्रॉम 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल डिक्रीजेस, पार्टिकल डिक्रीजेस, देयर सक्सेसफुल कोलिजन डिक्रीजेस। दिस इज फॉर 2 मार्क्स, राइट? नेक्स्ट, एक्सप्लेन यूजिंग काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी व्हाई इंक्रीजिंग द प्रेशर इन द गैस रेंज डिक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ, दिस इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ, दिस लॉ इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ। This is Boyle's law. Volume is inversely proportional to pressure. Explain using kinetic particle theory why increasing the pressure in the gas range decreases the volume. बताएं क्यों? So there are more collisions between the particles and the wall of the container, so the volume decreases.
when there are you more when you particles per unit volume. when you increase, this is for 1 mark, right? When you increase pressure, when you increase pressure, particles come closer. Particles come closer. Their intermolecular distance decreases. Their intermolecular distance decreases. Volume decreases. Question number four. Concentrated aqueous magnesium iodide is electrolyzed. Magnesium iodide. Predict the product at each electrode. बताइए कैटाइन दो होंगे हमारे पास, मैग्नीशियम और एच पॉजिटिव. बताइए रिएक्टिविटी सीरीज में हमेशा हाइड्रोजन बनता है, याद रखना. हाँ हमेशा हाइड्रोजन बनता है. हाँ अगर प्रीशियस मेटल है जैसे गोल्ड सिल्वर, अगर ये होंगे तो वो बनेंगे, अदरवाइज हाइड्रोजन ही बनेगा. बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर, आपने कॉन्सेंट्रेशन में बताया था जब भी उसका इलेक्ट्रोलिसिस होता है कि यानी प्रोडक्ट ऑफ कैथोड जो होगी वो हमेशा हाइड्रोजन होता है, तो मैंने सर ये आपसे ये कहा है कि जब भी हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन होगा पानी का और उसका कंपैरिजन होगा कैटाइन से, तो देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में पहले हाइड्रोजन आता है या मैग्नीशियम. तो डाउन नीचे से जब ऊपर जाते हैं तो पहले हाइड्रोजन आता है, और जितने भी प्रीशियस मेटल जैसे गोल्ड प्लाटिनम, ठीक है, ये सारे के सारे ये कैथोड पे जाएंगे अगर ये हाइड्रोजन के साथ कंपेयर होंगे, अदरवाइज हाइड्रोजन ही जाएगा हमेशा. एनोड पे क्या जाएगा? राइडिंग गैस आयोडाइट, आयोडीन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. तो बताइए ओए ज्यादा रिएक्टिव है या आयोडाइट? बोले बेटा. सर, ओएच सर, ओएच है लेकिन वो कॉन्सेंट्रेटेड है आयोडाइड. वेरी वेरी गुड, कॉन्सेंट्रेटेड है तो लिहाजा आयोडीन इज मोर. नेक्स्ट पार्ट नाउ, मोल्टन मैग्नीशियम आयोडाइड. मोल्टन कंस्ट्रक्ट इक्वेशन है. हाँ मोल्टन, मोल्टन में तो आपके पास कोई चांस ही नहीं है, चॉइस ही नहीं है. मोल्टन का मतलब होता है आयोडीन ही जाएगा, आयोडीन. आयोडाइड फॉर्म आयोडीन टू बैलेंस राइट हियर 2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑन राइट हैंड साइड. अब अगली चीज है हमारे पास, वो है मैग्नीशियम. मैग्नीशियम 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम इज फॉर्म. बोले बात समझ आ रही है? नेक्स्ट, डिस्क्राइब अ टेस्ट फॉर एक्वस आयोडाइड आइन. ओ भाई सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे, येलो प्रिसिपिटेट आ जाएंगे.
एक्वास आयोडीन का टेस्ट करना है, सिल्वर नाइट्रेट, आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर, सिल्वर नाइट्रेट गिव्स येलो प्रिसिपिटेट, सिल्वर नाइट्रेट गिव्स येलो प्रिसिपिटेट, नेक्स्ट एक्सप्लेन आवर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाउ आयोडाइड आइंस एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन। बोलो बेटा आंसर। सर दे गेन द इलेक्ट्रॉन्स, दे गेन इलेक्ट्रॉन और दे रिलीज इलेक्ट्रॉन्स। यस सर, दे आर ऑक्सीडाइज्ड। सो आयोडीन इज ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस अदर। सो आयोडाइड आयन नेक्स्ट इज आयोडाइड आयन गिव इलेक्ट्रॉन, टू एम एन ओ टू। सर बोले कैन वी राइट दिस दैट आयोडाइड आयन इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। वही तो लिखा है। नहीं सर, क्योंकि ये वाला रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला मार्किंग स्कीम में उसका आंसर होता है कि वो इट इज वो लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स या फिर इट इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। अरे यही तो लिखा है भाई, यही तो लिखा है। यही तो लिखा है भाई, आयोडाइड इज रिड्यूस्ड इज ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूसेस अदर। बात समझ में आ रही है? यस सर। चल अगला है, स्टेट द नेम ऑफ द टाइप इज इन्वॉल्व समडेज ऑक्सीजन रिडक्शन। क्या कहते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो? रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स, बिल्कुल सही है, रिडॉक्स। नाउ ई पार्ट, फॉस्फोरस आयोडाइड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन फॉस्फोरस रिएक्ट्स विद आयोडीन। कंप्लीट डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ फॉस्फोरस थ्री आयोडाइड। बेटे बताइए, बताइए फॉस्फोरस कौन से ग्रुप में है? फाइव, फाइव। सो वन टू थ्री, सो टू इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट, टू इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट। ये बाहर लिख देंगे, दिस इज आयोडीन इलेक्ट्रॉन, सर आयोडीन एफ सेवन। आयोडीन, एक आयोडीन में सेवन होते तो सिक्स बाकी हैं। सिक्स बाकी हैं, वन वन टू
3 4 5। बेटा बात समझ आ रही है? यस सर। क्रॉस यस सर। क्रॉस मींस इलेक्ट्रॉन ऑफ आयोडीन, एंड डॉट मींस इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉस्फोरस। बोले बात समझ आई यहां तक के? यस सर। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 5। ड्रॉ सर्किल अराउंड द फंक्शनल ग्रुप दैट रिएक्ट विद एक्वस ब्रोमीन। बोले ब्रोमीन के साथ कौन रिएक्ट करता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द कलर चेंज व्हेन एक्सेस कंपाउंड ए इज एडेड टू अ फ्यू ड्रॉप ऑफ एक्वस ब्रोमीन इन अ टेस्ट ट्यूब। बोले क्या होगा? सर रेडिश। क्या रेडिश? सर रेडिश ब्राउन कलर हो जाएगा। देखो कलर ऑफ एक्वस ब्रोमीन, कलर आफ्टर एडिशन ऑफ कंपाउंड ए। एक्वस ब्रोमीन इज Br2 एंड कलर आफ्टर एडिशन ऑफ कंपाउंड ए। बोले बेटा क्या लिखूं? कलर ऑफ एक्वस ब्रोमीन इज रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन। नेक्स्ट, कलर आफ्टर एडिशन ऑफ कंपाउंड ए डी कलराइजेस। रेडिश ब्राउन कलर डी कलराइजेस। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड खत्म हो रहा है ना, डबल बॉन्ड यस पे सर। ब्रोमीन जाके अटैच हो रहा है, तो रेडिश ब्राउन कलर Br2 का गायब हो जाएगा। बोले बात समझ आ रही है? यस सर। अगला, डिड्यूस द मॉलिक्यूलर यस फॉर्मूला सर। ऑफ कंपाउंड ए। बोले C4H9OH। आइए चेक करते हैं। 1 2 3 4, C4। ओके, अब नाउ कार्बन, 4 कार्बन, नाउ हाइड्रोजन। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन, ओनली वन ठीक ऑक्सीजन। है। वन नाउ कंपाउंड ए इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, डिस्क्राइब द मोशन एंड सेपरेशन ऑफ द पार्टिकल इन अ लिक्विड। यस, स्लाइड ओवर ईच अदर। स्लाइड ओवर ईच अदर। स्लाइड ओवर ईच अदर, स्लाइड ओवर ईच अदर। और सेपरेशन क्या होगी? क्लोज टुगेदर, क्लोज टू ईच अदर। क्लोज टू ईच अदर का क्या मतलब हुआ भाई? सर नॉट नॉट एट एट पोजीशन, नॉट एट फिक्स पोजीशन। ठीक है। देखिए सवाल में ये, डिस्क्राइब द मोशन एंड सेपरेशन ऑफ द पार्टिकल इन अ लिक्विड। सर नॉट ठीक है, एज क्लोज एज सॉलिड्स बट नॉट एज फार एज गैसेस। नहीं, ये कह रहा है कि डिस्क्राइब द मोशन एंड सेपरेशन ऑफ द पार्टिकल इन अ लिक्विड।
They're close together with small spaces in between. हाँ लिक्विड इसलिए क्लोज टुगेदर. सर आई 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 में वो कौन सी होमोलोगस सीरीज है? कौन सा रह गया कोई? नहीं सर ये कौन सी होमोलोगस सीरीज है क्वेश्चन 5 में? ये वाली बेटा, ये तो अल्कीन अल्कोहल है. ओके सर. चलिए इसको देखें, दिस इज कंपाउंड बी. अब आपने इसको पॉलीमराइज करना है. देखिए आपने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लिखना है, एक हाइड्रोजन ऊपर, ये दूसरी हाइड्रोजन ऊपर, इधर CH3, इधर CH3. अब यहां से आप ये लाइनें बना देंगे, इनकी चेन लिख देंगे. बोले आपको बात समझ आई है? सर जी बोले. सर सबसे पहले आपने इसका डबल बॉन्ड रिमूव कर दिया, उसके बाद फिर कार्बन का, फिर आपने ये एक एच ऊपर लिखा और नीचे CH3, मतलब यानी कि सर अगर मेरा एक एच. एच, जी मेरा सर CH3. ओके सर. चलिए नेक्स्ट है, डिस्क्राइब टू एनवायरमेंटल चैलेंजेस कॉज्ड बाय द डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक. सर लैंड इज फिल्ड, सर क्या? लैंड फिल्स अप. ठीक है. एंड सर ओशंस आर आल्सो फिल्ड अप मेरे ख्याल से ऐसा, या फिर ये लिख देंगे कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड. देखिए ये कह रहा है डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक से इन्वायरमेंटल क्या होता है. ठीक है, बताएं कि ये डिसॉल्व होती है. बताएं, नो सर, अल्हम्दुलिल्लाह, प्लास्टिक डिसॉल्व होती है. नो सर, ठीक है, तो 2 मार्क का सवाल है. ठीक है, तो आप लिख सकते हैं. सर देयर आर बायो नॉन डिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल. हाँ जी, अभी लिखते हैं. ठीक है, व्हेन व्हेन प्लास्टिक बर्न व्हेन प्लास्टिक बर्न टॉक्सिक गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड. इसका सेकंड पार्ट क्या लिखें? सर ड्यू टू प्लास्टिक लैंड फिल्स अप. सर ये आंसर मार्किंग स्कीम का. लैंड फिल्स अप. चलें जी, अब क्या करें? हाँ भाई, आपको आवाज आ रही है मेरी? क्वेश्चन यस सर. नंबर 6, बताएं इन टर्म ऑफ बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग व्हाई दिस स्टेशनरी एंडोथर्मिक. इट टेक्स मोर एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड्स दैन व्हेन द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड. यस, मोर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड.
2 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है? आप लिखेंगे बॉन्ड, बॉन्ड ब्रेकिंग, बताइए बॉन्ड ब्रेकिंग एक्सो होता है एंडो होता है? सर एक्सो होता है जब टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। मैं कह रहा हूं बॉन्ड ब्रेकिंग एंडो है एक्सो है? एंडो। एंडो। और बॉन्ड फॉर्मिंग? बोले बॉन्ड फॉर्मिंग एंडो की एक्सो की? एक्सो एक्सो एक्सोथर्मिक। ये आपका पहला आंसर हो गया, बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक, बॉन्ड फॉर्मिंग इज एक्सोथर्मिक। पॉइंट नंबर टू, मोर एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड देन रिलीज्ड। बात समझ आ रही है? यस सर। यस सर। अब आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक, अबे भाई क्या तुम लोग सो रहे हो, बोल क्यों नहीं रहे आंसर यार? सर बॉन्ड ब्रेकिंग इज भाई एक्सो भाई लिख लिया है ना, बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक एंड बॉन्ड फॉर्मिंग इज एक्सोथर्मिक। अब क्या More लिखे दूसरा energy is पॉइंट? needed to break the bonds than when the bond a new bonds are made. एग्जैक्टली, लेस एनर्जी इज एक्सो है ना एंडो है, तो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड देन रिलीज्ड। And the enthalpy change is positive. एग्जैक्टली, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड देन रिलीज्ड। और कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा भाई। नाउ राइट द सिंबल फॉर एंथैल्पी चेंज, इंक्लूड द साइन ऑफ एंडोथर्मिक एंथैल्पी चेंज। पॉजिटिव डेल्टा डेल्टा एच। डेल्टा एच इज इक्वल टू पॉजिटिव। नाउ नेम वन अदर सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन कंटेनिंग फ्यूल। बताइए इनकम्प्लीट कंबशन में ये कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, वॉटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म ड्यूरिंग कंप्लीट कंबशन ऑफ कार्बन कंटेनिंग फ्यूल। नेम वन अदर सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग द इनकम्प्लीट कंबशन। कार्बन भाई, कार्बन, सर इज ब्लैक सूट। हाइड्रोकार्बन कलेक्ट करेक्ट? नहीं, हाइड्रोकार्बन तो इनकम्प्लीट कंबशन से नहीं बनते ना, हाइड्रोकार्बन की कंबशन इनकम्प्लीट कंबशन से बनता है ना, सर वो जो हाइड्रोकार्बन पार्टिक्यूलेट्स होते हैं। वो कार्बन ही तो है। आप जब भी ओके किसी कार्बन कंटेनिंग को जलाएं और ऑक्सीजन कम रखें, एयर सप्लाई कम रखें, तो वो ब्लैक सूट देता है ना। यस सर। चले नेक्स्ट, स्टेट वन अदर एडवर्स इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। बोले बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड इज टॉक्सिक गैस, सर्टेन कॉज टॉक्सिक ब्रीथिंग गैस। प्रॉब्लम्स। हाँ, ब्रीथिंग प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट, डिस्क्राइब टू एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल कंपेयर्ड विद अ गैसोलीन पेट्रोल इंजन। सर हाइड्रोजन फ्यूल सेल रिलीज इज मोर एफिशिएंट, इट रिलीजेस मोर एनर्जी। हाइड्रोजन फ्यूल सेल दे प्रोड्यूस वाटर ओनली। सर लेस एयर पॉल्यूशन ड्यू टू लेस नो स्मोक। नो कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आइए लिखते, डिस्क्राइब टू एडवांटेजेस
भाई पहला एडवांटेज ये है कि फ्यूल सेल जो है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है, ठीक है। नंबर टू, इसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, इसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है? जिसकी इनपुट कम हो आउटपुट ज्यादा हो। यस मोर एफिशिएंसी, बेटा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, वॉटर इज द ओनली प्रोडक्ट, वॉटर इज द ओनली प्रोडक्ट। याद रखिएगा कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल में पानी बनता है, वही खाली प्रोडक्ट होता है। बट सर चलिए नेक्स्ट। हम लोग ये लिख सकते हैं ना, इट इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली. हाँ मैंने ये बोल के लिखा है ना आपको। ना क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन, कंसंट्रेशन ऑफ डाइल्यूट एसिड इज रिक्वायर्ड। आपके पास सोडियम कार्बोनेट है 20 cm³, और ये आप इसके मोल निकाल सकते हैं सोडियम कार्बोनेट के। सो फर्स्ट स्टेप इज स्टेप वन, मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट, मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट, कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000। तो कंसंट्रेशन इज 0.025 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 1000। बोले बेटा आंसर। सर 5 पावर 10, सर 5 × 10⁻⁴. 5 × 10⁻⁴ मोल। नाउ स्टेप टू, नाउ स्टेप टू, मोल ऑफ HCl, HCl रेशियो Na2CO3 2:1। सो Na2 इज 5 × 10⁻⁴ एक्स। तो कितना आएगा इसको मल्टीप्लाई करके? 10 × 10⁻⁴ मोल ऑफ HCl। मोल ऑफ HCl। नाउ स्टेप थ्री, सर कैलकुलेटर पे कंसंट्रेट। वो दिखाएगा कि 1 × 10⁻³। यस सर, 1 क्या कह मल्टीप्लाई रहे बाय थे टू आप? हाँ वो सर एक ही बात है, फॉर मैंने एक ही बात है। तो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सो मोल इज 10 × 10⁻⁴, वॉल्यूम कितना दिया हुआ देखा है बेटा?
15.5 सेंटीमीटर 15.5 बोले कितना आ जाएगा? ओ भाई ये सेंटीमीटर क्यूब है ना, मल्टीप्लाई बाय 1000। अब बताए क्या आ जाएगा? सर 0.065 0.0650। 3 सिग्निफिकेंट फिगर से काम करेंगे, 0.0650। तो सर कोशिश जीरो क्या पॉइंट करें? जी सर हाँ जीरो बोले। पॉइंट 0645 करना था। 4-5 आ रहा है तो 4-5 लिखेंगे, 4-5। बताए मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या होता है अल्कलाइन सॉल्यूशन में? मैंने करवाया था आपको कलर बेटा, येलो होता है बेस में और एसिड में पिंक हो जाता है, येलो टू पिंक। यस सर बोले वो क्या चीज है, कौन सा आयन होता है अल्कली में? ओएच नेगेटिव अल्कली ओएच माइनस OH नेगेटिव आयन। चलिए अब ये वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम क्या करेंगे बोले? मोल्स ओवर कंसंट्रेशन। अच्छा ठीक है, पहले निकालेंगे मोल, मोल निकालेंगे, मोल किसके मोल निकालेंगे? सोडियम कार्बोनेट के। सर वो निकाले हुए ऊपर ये मास दिया हुआ है, इसका एमआर आपको निकालना पड़ेगा सोडियम कार्बोनेट का। स्टेप वन वन, हंड्रेड सिक्स एमआर। सोडियम कार्बोनेट बेटा कितना आ रहा है? 106 106। नाउ स्टेप टू, नाउ स्टेप टू, वॉल्यूम इज मोल इक्वल डिवाइड बाय टू, एमआर। नहीं अच्छा मोल निकाले, मोल मोल पहले निकालेंगे ना फिर करेंगे ना। स्टेप टू मोल, मोल इज इक्वल टू ग्राम ओवर एमआर। ग्राम इज 2.65, एमआर इज 1006। यस आंसर इज 0.025 0.025 मोल। नाउ नेक्स्ट इज स्टेप थ्री, नाउ स्टेप थ्री। वॉल्यूम, दीज आर मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट। आपने क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो बताइए कैल्शियम, सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड में रेशियो कितना है? 1:1 1:1, 1:1। सो कार्बन डाई इज इक्वल टू 0.025 मोल। नाउ स्टेप फोर, वॉल्यूम। स्टेप फोर सर ये स्टेप 3 पर से समझाना। बेटा, स्टेप थ्री में मोल रेशियो निकाला है ना, यहाँ देखो ना 1:1 का रेशियो है। जी सर
तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय 24। 24,000 सीएम क्यू में निकालना है, सीएम क्यू में तो सीएम क्यू में ट्वेंटी सर। फोर थाउजेंड यस बेटे, 600 600 सीएम क्यू। चलिए डी पार्ट एक बताइए, में व्हाट ऊपर इज कर स्ट्रॉन्ग बोले। देंगे, आप एक में ऊपर स्क्रॉल कर देंगे। सर ये बता दें कि आपने मल्टीप्लाई बाय 24,000 क्यों किया। बेटा वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ना, मोल मल्टीप्लाई बाय 24,000 फॉर सीएम क्यूब, फॉर डीएम क्यूब मोल मल्टीप्लाई बाय 24। ओके सर, बताइए व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एसेट। सर विच डज कंप्यूटेड नॉट इनटू आई पार्शियली, सर इसकी डेफिनेशन बोल लूँ। चलिए हाँ, कंप्लीट कंप्लीटली डिसोसिएट एच पॉजिटिव आयंस एंड गिव एच पॉजिटिव आयंस इन एक्वस। यस, स्टेट वन अदर एडवर्स इफेक्ट ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, दे याद कॉन्ट्रीब्यूट रख टू लेना, फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मोक में इस्तेमाल होता है, उसमें एक कंपाउंड बनता है परऑक्सी एसिटाइल नाइट्राइल, पैन कहते हैं, PAN। सो आपने क्या बोला, दोबारा बोलिएगा। कॉन्ट्रीब्यूट टू फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मोक सर इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स इन कोरोजन। नहीं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं होती, स्मोक प्लस फोक इज कॉल्ड स्मोक। चलिए लास्ट है, बताइए इसके इक्वेशन बैलेंस करें क्या बनेगा। यह बन जाएगा नाइट्रोजन में और बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में। बैलेंस करने के लिए यहाँ टू लगाना पड़ेगा, नाइट्रोजन इज गैस, कार्बन डाइऑक्साइड इज गैस। चलिए एट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, प्रिडिक्ट एक्सप्लेन द इफेक्ट। बताइए टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा। टुवर्ड्स राइट, प्रेशर बढ़ाने से यहाँ 3 मोल्स हैं, नहीं सर सॉरी टुवर्ड्स लेफ्ट, यहाँ 1 मोल है। सो व्हेन यू इंक्रीज द प्रेशर टुवर्ड्स राइट इक्विलिब्रियम मूव टुवर्ड्स लेसर मोल यानी राइट। इक्विलिब्रियम, यस सर। इक्विलिब्रियम मूव्स टू राइट हैंड साइड when pressure increases, when pressure increases equilibrium moves to lesser mole site, lesser mole site, so product has lesser mole। नेक्स्ट, प्रेडिक्ट एक्सप्लेन द इफेक्ट इफ एनी ऑफ द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन द टेंपरेचर इज इंक्रीज्ड। सर इट विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। देखिए ये है रिएक्शन कंपाउंड, हाई टेंपरेचर इन अ क्लोज सिस्टम, ये हाई टेंपरेचर पे हुआ हुआ है, ठीक है, बता सकते हैं क्यों। एंडोथर्मिक देखिए सर ताकि लिखा हुआ उसके है, मॉलिक्यूल एस्केप ना कर सकें। नहीं गलत कह रहे हैं आप, द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन कंपाउंड इज एट अ हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर मींस एंडोथर्मिक, सो इट मींस फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडो
एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज एक्सोम. वेन एवर यू इंक्रीज द टेम्परेचर इट फेवर्स एंडोथर्मिक रिएक्शन. सर लेकिन ऊपर तो लिखा हुआ था फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सो. एक्सो लिखा हुआ है हाई टेम्परेचर. एक्सो एक्सो सॉरी हाई टेम्परेचर है. सही तो लिखा है. क्या कह रहे हैं आप? हाँ नहीं क्या सर, कह रहे? सही कह रहे बोले. मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी नीचे वाली लाइन में तो लिखा है था फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सो, तो बैकवर्ड सही रिएक्शन कह रहे हैं आप. एंडो. बस सही कह रहे हैं. इसका मतलब है ये ऊपर वाला एक्सो है, नीचे वाला एंडो है. ये सब ड्रामा करने की जरूरत ही नहीं है. शाबाश, सर तो पोजीशन ऑफ वेरी गुड. इक्विलिब्रियम लेफ्ट हैंड साइड पे मूव आउट हो जाएगी, आप कहाँ जाएगा इक्विलिब्रियम? लेफ्ट बैकवर्ड रिएक्शन. ठीक है, बिल्कुल सही है. इक्विलिब्रियम मूव्स टू लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड. इक्विलिब्रियम मूव्स टू लेफ्ट हैंड साइड बिकॉज इट फेवर्स एक्सोथर्मिक साइट. एक्सोथर्मिक साइट्स. एक्सोथर्मिक साइट व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड. बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर. तो एक्सो नहीं लिखना चाहिए, एंडो लिखना चाहिए ना. वेन एवर यू इंक्रीज द टेम्परेचर इट फेवर्स एंडोथर्मिक. बोले बात समझ आ रही है? यस सर. यस चलिए सर. अगला है. मिथेनॉल रिएक्ट विथ कार्बोक्सिलिक एसिड इन द एंड फॉर्म एस्टर. नेम द एस्टर. ओके, पहले आप डिस्प्लेट फॉर्मूला बनाएंगे CH3. ये आ गया. फिर आप अल्कोहल का फॉर्मूला बनाएंगे मिथेनॉल. नाम इसका पहले लिखेंगे विद YL, फिर इसका लिखेंगे OH के साथ. ये वन है, ये टू है. नाम है इसका मिथाइल इथानोएट. मिथाइल इथानोएट लास्ट पार्ट है इसका. आप मुझे डिस्प्लेट वापस से बताने. मैं समझे नहीं आपकी बात. क्या कह रहे हैं आप? सर ये डिस्प्लेट वाला जरा वापस से एक्सप्लेन करते हैं. ये एस्टर तो बनाया आपने, लेकिन इसका ये आपने वापस बता दें. बेटा पहले आपने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया. ये कार्बोक्सिलिक एसिड यस बनाया आपने, उसके सर. बाद आपने जो है वो इसका अल्कोहल का पार्ट बना लिया. ठीक है, तो सर ये एस्टर इज इक्वल्स टू कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल. एस्टर तो हमेशा ऐसे ही बनता है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से मिला के. ओके सर. सर चले यहीं तक के रखते हैं. इंशाल्लाह कल फिर आपसे मेरा कुछ. सवाल था आपके लिए. हाँ पूछे. सर जो पीईटी एस्टर होता है उसके अंदर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और डायोल होता है. आप पीईटी पैड की बात करते हैं कर रहे आई हैं? मीन जो पॉलीमर होता है. पॉलीमर होता है ना, पॉलीएस्टर होता है वो. पॉलीएस्टर तो सर वो टायरिलीन. पॉलीएस्टर डाई टायरिलीन. डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और डायोल होता है. जी हाँ, टायरिलीन है ना. टायरिलीन ओके टायरिलीन सर. तो होता ही एस्टर है. बेटा मेरी एक और क्लास है, मैं यहीं पे रोक रहा हूँ. ठीक है. चले करा लेता हूँ, पूरा एक ईयर होना चाहिए. चलिए जल्दी से करेंगे. मिथेनॉल इज अ मेंबर ऑफ द अल्कोहल, राइट? डिस्क्राइब जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलोगस सीरीज. ठीक है, तो होमोलोगस सीरीज में क्या होता है? दो नंबर लिखने हैं. सेम फंक्शन. हैव सेम फंक्शनल ग्रुप
से फंक्शनल ग्रुप, और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपको ये दिया हुआ है, डिफरेंस इन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द डायमंड एंड आयोडीन। आप देख सकते हैं कि डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई है, ठीक है, तो लिखेंगे डायमंड हैज, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, हाई मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स, नहीं नहीं इट हैज जाइंट स्ट्रक्चर, जाइंट स्ट्रक्चर एंड स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड थ्रू आउट द स्ट्रक्चर, थ्रू आउट द स्ट्रक्चर। सर इट डज, हम वो नहीं ले सकते कि उसके पास स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि आयोडीन जो है, आयोडीन, आयोडीन इज सिंपल मॉलिक्यूलर, आयोडीन इज सिंपल मॉलिक्यूलर और वंडरवॉल होती है, इट हैज सर वैंडरवॉल तो वंडरवॉल, इंटरमोलेक्यूलर फोर्सेस एक ही चीज एक ही होती है। चीज है, एक ही चीज है, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट है भाई के द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज ऑफ कैल्शियम एंड आयोडीन। तो भाई कैल्शियम हैज फ्री इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, व्हाइल आयोडीन डज नॉट। नेक्स्ट है डायमंड एंड ग्राफाइट आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बन, एक्सप्लेन टर्म ऑफ स्ट्रक्चर व्हाई ग्रेफाइट इज अ लुब्रिकेंट, क्योंकि उसकी लेयर्स होती हैं, लेयर्स, ग्रेफाइट हैज लेयर स्ट्रक्चर, ग्रेफाइट हैज लेयर स्ट्रक्चर, ईच लेयर कैन बी स्लाइड ओवर ईच अदर। दो नंबर के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा। आखिर में आपसे कह रहे हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला लिख के, तो सोडियम 11.62 इसको Ar से डिवाइड करेंगे, सोडियम का 23 होता है, 23। उसके बाद आपके पास आयोडीन है, आयोडीन 64.14 डिवाइड बाय 127, और ऑक्सीजन है 24.24 डिवाइड बाय 16, ये आ जाएगा 0.505। आयोडीन है सर ये भी उतना ही है, ये भी उतना ही है, 0.505, ऑक्सीजन इज 1.515, तो सबसे स्मॉलेस्ट है 0.505, 0.505, 0.505, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो फॉर्मूला है NaIO3। चलो बेटा मेरी दूसरी भी क्लास है ना बेटे, सॉरी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज बेटा।